एक समय री बात है, गुरु गोरखनाथ जी कजली बन आपरे नौलक चेला ने साथ लेर दादर देश ने आवे है, और राजा जेवर सिंह रे नौलक के सूखे बाग रे माए धुनो लगा लेवे है। गुरु गोरखनाथ जी रो धुनो लागता ही 12 बरसा सु सूखो बाग एकदम हरियो भरियो हो जावे है। दादर मोर पपी हा बोलन लाग जावे है, चारों ओर चहल पहल हो जावे, तो गुरु महाराज आपरे चेले ओगड़नाथ ने गांव रे माए झोली फेरने रे वास्ते भेजे है। तो ओगड़नाथ जी महाराज घर घर अलग जगावता माता बाथलरी पोल जा ढुके और अलग जगावे है। तो आगे कई वार्ता बने। We'll be right back.
जद बाथल माता नहन संजोवे हैं तो उन भगत जोगी ओगड़नाथ जी महाराज मां बाछल री पोल अलख जगावे है। तो मां बाछल जोगी री बोली सुन कुछ तो नहाई माता कुछ तो धोई माता धरते कैसा ही चली आई और जोगी ने चावल मुंगा री भिक्षा देवे तो ओगड़नाथ जी महाराज भिक्षा नहीं लेवे और मां बाछल ने केवे के थारे बालूड़ी रो जूठो भोजन है तो देव माता बालूड़े रो नाम सुन मां बाछल रो हियो भरा और मां जोगी ने केवे के हे जोगी बालूड़े रो नाम मती लो क्योंकि म्हारे मेला में बाड़ा कोनी तो ओगड़नाथ जी मां बाछल रो दुख देख पूछ बैठे कि हे मैया सांची सांची बताओ हे पहले कोई जोगी से यो है के तो माता बाछल के वे है माता बाछल के वे कि हे बाबा मैं तो जलंधरनाथ जोगी लक्कड़नाथ जोगी और धूणनाथ जोगी वर्गा घना ही जोगी से लिया पर मेरे तो कोई फलरी प्राप्ति नहीं हुई तो ओगड़नाथ जी के वे हैं तो आया
काछड़ो सुन ले जी बेड़ा काछड़ो रे भारी बात रे जी हाँ। हे माता थारी नगरी में आ गया गुरु गोरखनाथ। हे मैया थे जे पक्की रसोई बनार थारे हाथा सु गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने भेंट करो तो गुरु महाराज जरूर थाने पुत्रवती आशीर्वाद दे देवे। जोगीरी बात सुन माता बोली के हे जोगी थे हलवा हलवा बोलो नहीं तो मेरी बडेरी बहन काचल सुन लेगी तो काम खराब हो जावे लो। और माँ जोगी सु कहीं के वे रावल जोगी गुरु गोरखरी के पिछाण है। हे माने बताओ तो सरी जद में जाऊं तो गुरुजी ने पिछाण में गलती ना हुए तो ओघरनाथ जी महाराज के वे के हे माता जिन धूने बैठे गुरुदेव भी धूने आग माथे धुओं कोनी निकल तो दिखे तो समझ जाओ कि वे ही गुरुदेव जी है। We'll be right back.
बकासल भेणा ओटे खड़ी ने सुन ली बात, बाछल माता और ओगड़नाथ जी री बात सुन ले है। और मिठाई सु थाल सजा ले वे है। जिन भगत बाछल माता सत पकवान बनाती हुए काछल भेणा उन भगत मौको देखने साधा रे माए जाए ने गुरु जी गोरखनाथ जी री पिछाण कर लेवे। और मिठाई गुरु जी ने भेंट कर चरणा में धो खा लेवे है। जद गुरु महाराज एक नारी ने साधारी ठोर में देखे है तो ओगड़नाथ जी महाराज से पूछन लाग जावे है। अब यूं खड़के लागो
माता बाछल गुरु गोरखनाथ जी रा नेम भेम सारा का सारा आपरे मन में उतार लेवे है और आपरे मेला माई ही रेवे घर सु बारे कठे ही नहीं फिरे। सावन भादवे रो समय हो तो बाछल माता रे नणंद छबीली बागारे माए आपरे सखिया रे साथे झूला झूलने जावे तो कई सखिया झूला झूलती समय भुआ छबीली ने मीठा मीठा ताना मारे के छबीली भेण और तो मेला रे सारी राणिया बागा मा ही झूला झूलने रे वास्ते आई है और सबने रोजाना देखा भी हां पण राणी सा बाछल ने कोनी देखी बे आजकल कठे रे वे है। भुआ छबीली समझ जावे कि सारी सखिया तने ताना मारे है और राणी सा बाछल तो रेवे बठे ही रेवे है और झूला झूलती भुआ रीस में आए ने राजा उमर रे भरी कचड़ी रे माए आपरे बीरो सा जेवर नेवर रे सामने भरी कचड़ी रे माए माता बाछल री चुगली खावन लाग जा।
हाल थारो घणो उमायो भूलायो जी। जद भुआ छबीली चुगली खाए ने बोली के रानी बाछल दिन दिन तो महला में रेवे और रातू मोड़ा में फिरे, आ बात चोखी है के? बात तो चोखी कोनी, पण मैं के करूं? माने तू कोई तरकीब तो बता, जीसु थारी भावज ने समझ आ जावे। या बात राजा झेवर आपरी बहन छबीली सु पूछे, तो भुआ छबीली बोली के तो रानी ने मार हटा दो बीरा के पुगा दे इनरे पीर। तो राजा झेवर ने रानी ने पीवर भेजन री तरकीब अच्छी लगी। तो राजा एक झूठो सो कागज बनाए रानी बाछल ने सुनावे के थारे पीवर सु संदेशो आयो है, थारे बीरे रो ब्याह मंड गयो है, सो थाने बेगा ही बुलाया है। तो माता बाछल राजी होर बोली के पिया जी आप भी मारे साथे ही चालो। तो राजा बोलिया कि अभी तो ब्याह में घना ही दिन पड़या है, थे चालो मैं ब्याह के नेड़े सी आजिशु। तो राजा श्यामे पाली ने के वे है हुक्म सुनायो झेवर हुक्म
जाने रे सूचो सरनाटे नेरी जागी ओ की तो राजा झेवर रानी बाछल ने रथ रे माए बैठाए के रथ हाँक देवे है। जद रथ कई दूर चाल बावनी उजाड़ जठे मानस रो जायो भी कोनी दिखे बठे आ जावे है। तो श्यामो पाली रथड़े ने माँ बाछल रे हवाले कर आप रे घरा में चलो जावे। और बियाबान जंगल रे माए जठे बारा बारा कोसा में की कोनी दिखे बठे बाछल माता भगवान रो आसरो लेर ने रथड़े ने थामे और बेलिया ने चरवाने छोड़े। तो बेलिया रे टोकरा री आवाज सुनने एक बासक नाग
उंबीसू निकले और बेलिया रे डंक लगा देवे तो बेलियो बटे ही मर जावे। बेलिया ने मर तो देख माता बाछल बिलखण लाग जावे तो गर्भ रे माए गुगो जी महाराज माता ने कड़पती देख बोले के हे माता थे कड़पो मत थे थारे शीशरी मोड़ी लेके ये बेलिया रे बंद हो और गुरु गोरखनाथ जी रो ध्यान करो। तो माता शीशरी मोड़ी बेलिया रे बंद है और महाराज गुरु गोरखनाथ जी रो ध्यान करे इतने में ही बेलियो खड़े होर नाचने लाग जावे तो माता बेलिया ने रथ रे जोड़ आप रे पीवर कने चाल जावे तो गर्भ में ही गुगो जी महाराज माता ने के किवे ईवर ने
पहले ने तो जोड़ माता पीवर ने चाली तो गर्भ माही गुगो जी बोलिया कि हे मैया थे मने नानेरे मत ले जाओ, नानेरा में जलम ले हूं, तो मने नानेरियों के और म्हारी करामात है जकी घट जावे माता। इलिए हे माता थे पाछा दादेरा ने चालो, मैं बठे जलम ले सू और थारो और पिताजी रो नाम घणो ऊंचो होसी, तो माता बाचल बालेरी बात सुन रथ ने पाछो मोड़ और दादर देश ने आ जावे है। जद माता बाछल पाछी आती दिखे है तो झेवर नेवर और सगला गांव वाला रथ ने पाछो मोड़ने खातर सामी भाज जावे और रथ ने मोड़ने में आपरी सारी जान लगा देवे, पण रथ पाछो नी मुड़े और आपरी एक ही रफ्तार सु मैलारे आगे रुके है, तो माता बाछल रथ सु उतर मैला में चली जावे और सारी नगरी राजा रे संग में अचंभित होय बटे ही खड़ी रेवे और गोगा जी महाराज रो जन्म हुए है। जाने बदमा